गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों माइक्रोफोन लगा लेते हैं भाई। अब ठीक है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी इस ज्योग्राफी क्लास में फॉर द यूपीएससी। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक मिनट, ये सब मैं ठीक कर लेता हूँ जरा। जी अब सही है। ओहो यहाँ पर हम लोग, जैसा कि आपके सामने है, ज्योग्राफी बाई फिगर्स, तो इसी टॉपिक को कर रहे हैं। कल हम लोगों ने थोड़ा सा इस टॉपिक में आगे बढ़े थे और इस टॉपिक में जो यूनिवर्स के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, कल हम लोगों ने जाना था कि बिग बैंग क्या था, किन पोजीशंस में बिग बैंग हैपन हुआ। गुड आफ्टरनून अंजलि जी, मोस्ट वेलकम। तो बिग बैंग के बारे में हम लोगों ने कल थोड़ा सा जाना था। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बिग बैंग के बाद जिस तरीके से यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ, हमारे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन शुरू हुआ, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के जो आपके कैलेस्ट्रियल बॉडीज जो हमें मिलती हैं, यानी कि खगोलीय पिंड मिलते हैं, वो सब कैसे बने, उन सब से क्या क्या टाइप के सवाल हमारे बनते हैं। राधे राधे मोनू सिंह जी, मोस्ट वेलकम। तो इन चीजों पर आज हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो देखिए, यूनिवर्स हमारा बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बना। नमस्कार नमस्कार विनेश जी। और यूनिवर्स में धीरे 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 जो कल हम लोगों ने बिग बैंग के बाद देखा था, गुड नून अंशिका जी, गुड नून, मोस्ट वेलकम, कि बिग बैंग के बाद किस तरीके से सारा मेटेरियल स्पेस में बिखर गया, यहां तक कल हम लोगों ने जाना था। जब सारा मटेरियल स्पेस में बिखर गया, फिर धीरे धीरे वो कैसे कलेक्ट हुआ वो भी हमें देखा, तो वो भी हमने देखा। तो उसके बाद जो फॉर्मेशन आया, वो फॉर्मेशन आया यूनिवर्स का। और यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, वो लगभग लगभग ऐसा ही दिखता है। माइक्रोस्कोप से देखिए तो ये इस टाइप से आकाश गंगाएं दूर दूर बिखरी हुई दिखाई देती हैं, और आकाश गंगा बहुत बड़ी होती हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये दूर दूर आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में हमें दिखाई देती, ठीक है ना। तो ये हमारे स्पेस का थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर टाइप का बनता है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें और क्या क्या चीजें, भाई आकाश गंगा होती क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आकाश गंगा आप, या इसे हम लोग कहते हैं गैलेक्सी, ठीक, हिंदी में इसे कहते हैं आकाश गंगा, ठीक है ना। तो गैलेक्सी है क्या, या आकाश गंगा है क्या? ये जाहिर सी बात है कि बहुत सारे, अ बंच ऑफ स्टार्स, ठीक है ना, यानी तारों का समूह। और कितने तारे, इसकी कोई गिनती नहीं है, असंख्य तारे, बहुत सारे स्टार्स इस आकाश गंगा में इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चिपके चिपके रहते हैं, एक डिस्टेंस रहती है, लेकिन ये आकाश गंगा के अट्रैक्शन से बंधे हुए अपनी अपनी गैलेक्सी में ये स्टार्स बने रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस स्टार्स, हजारों सितारे आपके एक एक आकाश गंगा में मिलते हैं, ठीक है ना। मोस्ट वेलकम फुलचंद जी, गुड आफ्टरनून। आकाश गंगाएं दोस्तों होती हैं तीन प्रकार की, कितने टाइप की, थ्री टाइप्स की, ठीक है ना। थ्री टाइप्स की आकाश गंगा होती हैं आपकी, और जिसमें पहली जो होती हैं वो सीधी सीधी स्फेरिकल, यानी गोलाकार, ठीक है ना। दूसरी होती है स्पाइरल, यानी सर्पिलाकार। तीसरे टाइप की आकाश गंगा होती है आपकी अमीबॉइड, यानी अमीबॉइड बोलते हैं, यानी अनियमित आकार की, इनका आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है ना। जैसा इनका नाम लिखा है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा इनकी संख्या है, सेकेंड पोजीशन पे इनकी संख्या है, और थर्ड पोजीशन पे ये अमीबॉइड वाली बहुत कम होती है,
ज्यादातर बड़ी आकाशगंगाएं जो होती हैं, जो महाविशाल होती हैं, वो गोलाकार होती हैं, ठीक है ना। हमारी आकाशगंगा जो है, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, ये एक सर्पिलाकार या स्पाइरल आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा, जिसे हिंदी में मंदाकिनी भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसे हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं भाई। मिल्की वे की हिंदी बन गई दुग्ध मेखला, ठीक है ना। तो ये सारे नाम हमारी आकाशगंगा के दिए जाते हैं, जो एक प्रकार की एक स्पाइरल या सर्पिलाकार आकाशगंगा है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आकाशगंगाएं जो हैं, बंच ऑफ स्टार्स है, थाउजेंड्स मिलियंस स्टार्स का ग्रुप है, जिसमें ये सारे स्टार्स होते हैं। अब स्टार्स के साथ ही अपने प्लेनेट्स वगैरह वो सब हैं, तो आकाशगंगाओं में मिलते हैं। माना यह जाता है कि आकाशगंगा के केंद्र में या आकाशगंगा के सेंटर में एक या दो मैसिव ब्लैक होल। ये मिलते हैं, ठीक है ना। यानी ब्लैक होल ही इसे बोलते हैं हिंदी में। इसे कहीं कहीं आपको इसका ट्रांसलेशन जो है वो कृष्ण छिद्र मिल जाएगा, ठीक। इन्हीं ब्लैक होल्स के अट्रैक्शन में बंधे हुए ये सितारे सभी के सभी आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाते हैं, ये माना जाता है। सभी सितारे, सभी स्टार्स जो आकाश गंगा में होते हैं, वो आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये गैलेक्सी का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। एक गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, एक गैलेक्सी क्या है, एंड्रोमेडा। ये एंड्रोमेडा एक गोलाकार गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है। और ये है क्या एंड्रोमेडा, हमारी मंदाकिनी की निकटवर्ती गैलेक्सी है। हमसे सबसे नजदीक जो आकाशगंगा है उसका नाम है दोस्तों एंड्रोमेडा, ठीक है ना। तो एंड्रोमेडा क्या है, मंदाकिनी यानी हमारी आकाशगंगा की सबसे नियर बाई गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा है, ठीक है ना। और ये आकाशगंगा यानी एंड्रोमेडा और हमारी मिल्की वे, ये तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, यानी भविष्य में इनका मेल या इनका टकराव सुनिश्चित है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में जो इन दोनों के मेल से जो आकाशगंगा बनेगी, उसका नाम मिल्की मेडा होगा, ठीक है। यानी एंड्रोमेडा और मिल्की वे जब टकराएंगी, उसके बाद ये जो एक नई आकाशगंगा बनाएंगी, दोनों का मटेरियल उसमें मिक्सअप हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना, एक दूसरे से, तो वो कहलाएगी आकाशगंगा। जो एक बहुत बड़ी आकाशगंगा बनेगी वो मिल्की मेडा कहलाएगी। एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे से काफी बड़ी आकाशगंगा है, ठीक है ना। हमारी निकटवर्ती आकाशगंगा है, वनडे एग्जाम आपके जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारी निकटवर्ती आकाशगंगा कौन सी है, तो वो एंड्रोमेडा है, ठीक है ना। ये आपकी मिल्की मेडा बनाने के रास्ते पर चल पड़े हैं। आज से कई सौ साल बाद ये चीज हो सकेगी, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ेंगे आकाशगंगा की जानकारी को। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो आज के ब्रह्मांड का आप देखते हैं, वो इस तरीके से बनता है कि बिग बैंग से अब तक लगभग 13.77 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। यहां पर आप देख रहे हैं 13.77 बिलियन ईयर्स बिग बैंग के बाद गुजर चुके हैं। यहां पर ये बिग बैंग की घटना हमें देखने को मिल रही है, 13.77 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। यहां पर ये बिग बैंग की घटना देखने को मिल रही है। बिग बैंग की घटना के बाद ये डार्क एज बोला जाता है। सबसे पहले तो लाइट, जो बिग बैंग आफ्टर ग्लो लाइट, बिग बैंग हुआ तो लाइट भी निकलेगी, तो वो लाइट का टाइम रहता है लगभग इस समय तक। उसके बाद डार्क एजेस आते हैं, जबकि सारे प्लेनेट्स वगैरह, सारे जो मटेरियल है वो इकट्ठा हो रहा होता है। उसके बाद लगभग 400 मिलियन पहले पहला स्टार बनता है, इतना समय लगता है, ठीक है ना। इस स्टार के बनने के बाद यहां से ये क्रम से धीरे धीरे गैलेक्सीज का, ग्रहों का, इन सब का डेवलपमेंट होता रहा, ठीक। अब
इसके बाद डार्क एनर्जी की वजह से ये लगातार एक्सपेंशन होता जा रहा है, यानी कि ब्रह्मांड में एक्सपेंशन या फैलाव होता जा रहा है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर अभी तक जो ये सर्कल आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वैज्ञानिकों की कल्पना है, कोई इसका आधार नहीं है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स देख रहे हैं तो फिर वैज्ञानिकों को नहीं पता है कि इस सर्कल के बाहर क्या है, यहां क्या है, ये नहीं पता है। पैरेलल यूनिवर्स हैं या कुछ और है, इसकी जानकारी नहीं है। हमारे यहां जानकारी केवल इसकी बात है कि भाई ये एक ट्यूबुलर शेप में आगे बढ़ रहे हैं और ये ट्यूब जो है धीरे धीरे एक्सपेंस ही करती जा रही है, चौड़ी ही होती जा रही है, और इस प्रकार से ये आकाश गंगाएं जो हैं वो एक दूसरे से सबकी सब दूर जाती जा रही है। ब्रह्मांड का लगातार फैलाव हो रहा है। ये फैलाव क्यों हो रहा है? इस फैलाव का जिम्मेदार माना गया है, यहां पर आप देखिए हमारे एक गोलाकार आकाशगंगा का आप यहां पर चित्र देख रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आकाशगंगा होती है और इसमें ये सेंटर में यहां पर ब्लैक होल का स्ट्रक्चर माना जाता है कि यहां पर ब्लैक होल होगा और ये सारा मटेरियल जो भी आसपास आप देख रहे हैं, इसी धूल जैसे मटेरियल जो दिख रहा है, ये वास्तव में धूल नहीं बल्कि सितारों का बंच है, स्टार्स का बंच है, समूह है। इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स पड़े हुए हैं और ये सबके सब अपने ग्रेविटेशन की वजह से और ब्लैक होल के ग्रेविटेशन की वजह से, गुरुत्व की वजह से आकाश गंगा के इसी केंद्र का चक्कर काटते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आकाशगंगा का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एक आकाशगंगा का। और फिजिक्स का नियम कहता है कि एक बार ब्लास्ट हो गया, बिग बैंग हो गया, जो भी मटेरियल दूर जाना था चला गया। अब आपने कहा कि अलग अलग ग्रुप बन गए, अलग अलग आकाशगंगा बन गई, ये लीजिए आकाशगंगा हो गई भाई, ठीक है ना। इनमें ग्रेविटेशन है, जब ग्रेविटेशन है तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचनी चाहिए, जब खींचनी चाहिए तो इनको और नजदीक आना चाहिए, लेकिन नजदीक ना आके वास्तव में हो ये रहा है कि आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड जो है वो आज भी फैल रहा है। तो ये फैल क्यों रहा है? जाहिर सी बात है कि लगभग 14 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, उसके बाद भी ये क्यों फैल रहा है? तो इसका कारण माना गया फिर एक डार्क एनर्जी, इसे कृष्ण ऊर्जा कहा गया। डार्क एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम समझ नहीं सकते, जिसे हम जान नहीं सकते। ये आती कहां से? ये आती है डार्क मैटर से, ठीक है ना, कृष्ण पदार्थ से। यानी कि यह माना गया, ये महसूस कैसे हुआ, मान लीजिए कि यहां पर है पृथ्वी, ठीक है ना, और यहां पर करोड़ों वर्ष, करोड़ों आपके किलोमीटर दूर यहां पर कोई स्टार है। ये स्टार रोशनी दे रहा है, सिंपल सी बात है, स्टार है तो रोशनी दे रहा है। इसकी रोशनी कम ही सही पृथ्वी तक भी आ रही है, ठीक है ना। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हर स्टार के साइज और उम्र के हिसाब से यह तय होता है कि वो कितनी रोशनी देगा, ठीक है ना। उम्र के हिसाब से ही उसका कलर तय हो जाता है, कलर के हिसाब से टेम्परेचर बनता है, टेम्परेचर के हिसाब से रोशनी की मात्रा पता चल सकती है। हमारे तक जो रोशनी आ रही है, हमने देखा कि ज्यादा दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जो रोशनी हमारे पास आ रही है वो वास्तव में कम आ रही है, जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज है जो बीच में रोशनी के रास्ते में रुकावट डाल रही है। यह चीज क्या है यह हमें नहीं मालूम, इसी को हमने डार्क मैटर कह दिया या कृष्ण पदार्थ कह दिया कि भाई कोई ना कोई डार्क मैटर बीच में है जो सुदूर ग्रहों से आने वाली रोशनी को कम कर रहा है। दूसरे, जो डेंसिटी की वैल्यूज ली जाती हैं इनकी, जो भी रेडिएशन के थ्रू आपके पायरोमीटर से इनकी डेंसिटी की वैल्यूज ली जाती है, वो डेंसिटी भी बढ़ी हुई निकल रही है।
जितनी डेंसिटी ऑब्जेक्ट या सितारों की होनी चाहिए उसकी तुलना में हमें अपने यंत्रों से पता चल रहा है कि वो ज्यादा है, यानी कोई ना कोई मैटर यहां पर निश्चित रूप से बीच में है। इसी को डार्क मैटर कहा गया। अब ये मान लिया गया है कि एक ऐसा मैटर बीच में जरूर है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, ये डार्क मैटर है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एंटी मैटर है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि ये है क्या। और यही डार्क मैटर से डार्क एनर्जी आपकी निकलती है, कृष्ण ऊर्जा निकलती है, ये मान लिया गया। और वैज्ञानिकों ने यह भी मान लिया है कि यही कृष्ण ऊर्जा या डार्क एनर्जी ही इन ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से दूर भेज रही है, यानी ब्रह्मांड के प्रसार के लिए, ठीक है ना, ब्रह्मांड के प्रसार के लिए या आपके एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के लिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डार्क एनर्जी, ठीक है ना। डार्क एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है। और ये डार्क एनर्जी आ कहां से रही है? तो ये आ रही है दोस्तों डार्क मैटर से, ठीक है ना। ये डार्क मैटर क्या है इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो ये डार्क एनर्जी अगर इसके बारे में लिखने को आता है कभी, तो आप यही लिखेंगे कि पहली बात आप रीजन देंगे कि क्यों हमें डार्क एनर्जी या डार्क मैटर महसूस हुआ। तो ब्रह्मांड लगातार जो प्रसरणशील है, जो एक दूसरे से दूर जा रहा है, जो एक्सपेंशन हो रहा है, इस वजह से कोई ना कोई ऊर्जा ऐसी है जो इसको एक्सपेंशन दे रही है। यह ऊर्जा कहां से आ रही है? डार्क मैटर से आ रही है। डार्क मैटर का हमें पता कैसे चलता है? पता चलता है जो बहुत ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं या स्टार्स हैं, उनसे जो रोशनी हमारे पास तक आती है वो हमें कम मिल रही है। इसका मतलब कोई ना कोई रुकावट डाल रहा है, इसी से डार्क एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। तो यह होता है आपके ब्रह्मांड के प्रसार का कारण कि आज भी हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। यहां पर आप फिगर देख रहे हैं कि स्पाइरल गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे का। देखो अभी तक हमारा कोई भी अंतरिक्ष यान, कोई भी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं हुआ है जो हम अपनी गैलेक्सी से बाहर जा पाए हो। ये सारी पिक्चर्स दूसरे जो हमने गैलेक्सीज देखी हैं उनके ग्राउंड पर बनाई गई है, ठीक है ना। हमने देख तो ली है लेकिन अभी तक हमने उनको मतलब पार नहीं कर पाए। यहां पर यह माना जाता है कि स्पाइरल गैलेक्सी में इस तरीके से आर्म्स होती हैं। एक आर्म देखिए ये चली गई, दिख रही है, और यहां पर ये एरो लगा है, यहीं पर बताया गया कि इसी एक आर्म के एक किनारे पर हमारा सन मौजूद है या सूर्य मौजूद है। इसी प्रकार से देखिए एक आर्म ये चली गई है, ठीक है ना, एक आर्म आपकी ये आ रही है। तो इस प्रकार से स्पाइरल गैलेक्सी बनती है जिसमें अलग अलग आर्म्स होती हैं। हमारा सन इसी स्पाइरल गैलेक्सी या मिल्की वे के एक किनारे पर मौजूद है। बीच में आप देखिए बहुत ज्यादा रोशनी टाइप की दिख रही है, यानी यहां पर सेंटर है, यहीं पर कोई एक ब्लैक होल होगा बड़ा सा, और जिस वजह से बहुत ज्यादा तारों का केंद्रण या आपका यूनिफिकेशन यहां पर है, जिस वजह से ये पार्ट जो है ज्यादा रोशन दिख रहा है, ज्यादा लाइटनिंग वाला दिख रहा है। जहां जहां ज्यादा लाइट दिख रही है वहां पर स्टार्स का ग्रुप ज्यादा है, जहां कम लाइट दिख रही है वहां पर स्टार्स थोड़े दूर दूर हैं या वहां पर कम स्टार है, ठीक है ना। ये कंडीशन आपकी मिल्की वे की बनती है। मिल्की वे का फिगर आपके सामने दोस्तों दिख रहा है, ठीक। तो सेंटर के पास तो कोई आपकी इतनी ज्यादा हीट रहती है कि यहां पर तो कोई लाइफ स्पैम या इस तरीके का हो ही नहीं सकता। जीवन होने के लिए, जैसे पृथ्वी पर जीवन है तो सन का दूर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो चीज आपकी बन रही है यहां पर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम, ठीक। इसके बाद यहां पर देखिए आपको एक मकान दिखाया गया है, और ये आपने अपने स्पेस में देखा होगा, ये जगह दिख रही है ना, ये वास्तव में ये है। इसका जो क्लोजअप पिक्चर है तो इस तरीके से दिखता है जो हम टेलीस्कोप की माध्यम से देखते हैं, ठीक। ये क्या है? ये है दोस्तों, इसको कहते हैं ओरियन नेबुला।
ओरियन नेबुला। स्पेस में ये आपको इस तरीके से दिखेगा और रियल स्ट्रक्चर इसका आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी का सर्वाधिक चमकीला स्थान, ठीक है ना। यहां पर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इकट्ठे रहते हैं, नतीजा ये आपका चमकीला स्थान बन जाता है, ठीक है ना। तो ओरियन नेबुला का स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाया गया है और इसमें ये जो बादल जैसा दिख रहा है, ये धूल जैसा ये जो दिख रहा है, इसमें आपकी इस भीड़ में थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इकट्ठे हैं, इस कारण से ये चमकीला स्थान आपको दिखाई दे रहा है। तो नेबुला कहते हैं पर्टिकुलर जो स्टार्स का बंच होता है, या और ओरियन नेबुला इसको नाम दिया गया है हमारे द्वारा, जो आकाशगंगा का सबसे चमकीला स्थान बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपकी बात आ जाती है तारे के जीने और मरने की। अब जब स्टार बन गए, गैलेक्सीज में क्या है, स्टार है, और ये स्टार क्या कर रहे हैं, गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो तारे आपके यहां पर मौजूद हैं। तारे बने कैसे, ये हम लोगों ने कल जाना, जो बिग बैंग के बारे में हमने पढ़ा था वहां पर, फिर जो देखा था आपने कि बहुत सारी डस्ट गैसेस वगैरह बिखर गई, फिर वो धीरे धीरे इकट्ठी हुई तो उससे स्टार्स का निर्माण होगा, ठीक है ना। अब तारे बने कैसे, बन गए, इसके बाद इनकी मृत्यु या जीवन काल क्या होता है, तो वो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस पे हम लोग अभी आते हैं एक मिनट में, बस यहां पर पहले आइए। सबसे पहले कोई स्टार होता है तो स्टार की एनर्जी का सोर्स होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। हाइड्रोजन एटम जब मिलता है तो हीलियम एटम बनता है, सिंपल सी बात है। यहां पर आप देख रहे हैं एक, यहां पर आप देख रहे हैं दो, बीच में प्लस का निशान है, दोनों देखिए दो हो गए। यहां पर आप देख रहे हैं एक, यहां पर आप देख रहे हैं तीन, तीन और एक चार हो गए, चार दिख रहा है, ठीक है ना। हीलियम बनती है, यही आपकी जो हीलियम तारों में बनती है, यानी तारों की एनर्जी का सोर्स क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम में आपस में फ्यूजन होता रहता है, ये एक दूसरे से मिलते रहते हैं और हाइड्रोजन कन्वर्ट होती रहती है हीलियम में। जैसे हमारे सूर्य को लें तो इसमें अभी लगभग 79% हाइड्रोजन है, लगभग। जब धीरे 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 हाइड्रोजन का फ्यूजन होता रहता है, हाइड्रोजन खत्म होती रहती है, हीलियम बढ़ती रहती, हाइड्रोजन घट रही है, हीलियम बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि तारे में हीलियम ज्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन कम हो जाती है। जब हाइड्रोजन कम हो जाएगी तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तारे बहुत बड़े होते हैं। तो तारे में हुआ क्या, अब हम लोग फिगर पर आते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई सेंटर में तो आपका अभी अपने फिगर से काम चला है, उस पर बाद में आए, ये सूर्य है या कोई तारा है, सेंटर में तो हाइड्रोजन है लेकिन सरफेस पे हाइड्रोजन खत्म हो गई है, सरफेस पे हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो एक मिनट दोस्त, तो सरफेस पे हाइड्रोजन आपकी समाप्त हो गई है, सरफेस पे हीलियम ज्यादा है। अब यहां पर तारे की एनर्जी जो है हीलियम में एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी तारे के साइज के लिए जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है यही बैलेंस करती है तारे के ग्रेविटेशन,
ग्रेविटेशन मतलब तारे में जो भी मेटेरियल है तारा उसको अपने केंद्र में खींच लेना चाहता है, लेकिन जो तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ब्लास्ट हो रही है, जो एनर्जी बन रही है, ये सारे मेटेरियल को बाहर फेंक देना चाहता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर ब्लास्ट होगा, इसको मैं क्लीन करके फिर से ले लेता हूं, अगर ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट से सेंटर में ज्यादा एनर्जी है, तो सेंटर से ब्लास्ट होगा तो इसे बाहर की तरफ, कोई भी विस्फोट होगा तो बाहर की तरफ एक्सपेंशन चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से जो ब्लास्ट हो रहे हैं, वो एनर्जी निकल रही है, वो एक्सपेंशन चाहती है, और जो इसका साइज है, जो ग्रेविटेशन है, वो कंसंट्रेशन चाहता है, इसे छोटे से छोटा करना चाहता है। जब तक हाइड्रोजन एनर्जी थी, हाइड्रोजन से एनर्जी ज्यादा बन रही थी, हाइड्रोजन हो गई खत्म, अब सेंटर में तो हाइड्रोजन है लेकिन सरफेस पर हाइड्रोजन खत्म हो गई, सरफेस पर हीलियम ज्यादा है, सेंटर में हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। नतीजा सेंटर पार्ट में आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, या हिंदी में इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन, हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन, सेंटर में तो चल रहा है लेकिन किनारे पर समाप्त हो गया है, क्योंकि किनारे पर अब हाइड्रोजन नहीं बची है, हीलियम बची है, तो किनारे पर एनर्जी जनरेशन हो जाता है कमजोर। जब किनारे पर एनर्जी जनरेशन कमजोर हो जाता है तो ग्रेविटेशन फोर्स यहां पर हावी होने लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स हावी होने लगता है, नतीजा तारे में जो मेटेरियल है वो सेंटर में इकट्ठा होना तेजी से शुरू हो जाता है, क्योंकि तारे में अभी भी आपका हाइड्रोजन यहां पर सेंटर में है, वो जल रहा है, ठीक है ना। किनारे पर हीलियम है लेकिन ठंडी नहीं हुई है, गर्म तो अभी हीलियम भी, नतीजा यहां पर हीलियम में आपका संलयन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। हीलियम के एटम आपस में मिलने लगते हैं, और हीलियम के एटम जब मिलने लगते हैं तो ये कार्बन का निर्माण करने लगते हैं, ठीक है ना। अब समझिए, सेंटर सिकुड़ रहा है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन अभी बहुत ज्यादा है, सेंटर से एनर्जी अभी निकल रही है, लेकिन सरफेस पे एनर्जी जनरेशन बंद हो गया है, नतीजा सेंटर का पार्ट तेजी से अंदर की ओर खिंचता है और सरफेस का पार्ट, चूंकि अब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन की एनर्जी कम होने से ग्रेविटेशन पुल जो है वो सरफेस पे कमजोर पड़ने लगता है, जब सरफेस पे कमजोर पड़ने लगता है तो स्टार का एक्सपेंशन होने लगता है, यानी तारा बड़ा होने लगता है, अपना आकार बढ़ाने लगता है। यही बढ़े हुए आकार को हम कहते हैं रेड जायंट या रक्त दानव, ठीक है ना। जिसमें देखिए किनारे के जो आप देख रहे हैं ना एरिया, यहां पर फ्यूजन ऑफ हीलियम चल रहा है, एरो को देखिए यहां तक आ रहा है ये एरिया में, फ्यूजन ऑफ कार्बन, अब चूंकि तारे को पावर चाहिए, यहां कार्बन का फ्यूजन हो रहा है, कार्बन भी बन रहा है, फ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इन सब का फ्यूजन भी चल रहा है, ये सब तत्व तो बनने लगते हैं, ठीक है ना। और सेंटर में अभी तक आपका फ्यूजन ऑफ हीलियम चल रहा है और धीरे धीरे इसमें आयरन बनने लगता है, सिंपल सी बात है, ठीक। बहुत सारी यहां पर हाइड्रोजन जो है इधर चली आती है, जो डेड वेट के रूप में होती है, जो फ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जो फैलना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो तारे का आकार फैलने लगता है और धीरे धीरे जो तत्व बनते हैं वो तत्व इस तरीके से बनते हैं कि सबसे पहले हीलियम होता है, हीलियम के बाद कार्बन होता है, कार्बन के बाद आपका सिलिकन बनने लगता है, और सिलिकन बनने के बाद आपका बनने लगता है आयरन या लोहा, और जैसे ही लोहा बनना शुरू होता है तारे का कोर जो है, जो सेंटर जो है, ये भारी होने लगता है, और भारी होने के कारण ये तेजी से ग्रेविटेशनल पुल लेता है, इसमें चुंबकीय इफेक्ट भी फिर आने लगेगा, क्योंकि लोहा चुंबकीय इफेक्ट भी ग्रहण कर सकता है, मेटेरियल को तेजी से अपनी ओर खींचता है, यानी सेंटर का पार्ट जो है वो सेंटर में होने लगता है, सरफेस का पार्ट बाहर की ओर पुल होने लगता है, इसे ये दूर की तरफ छोड़ देता है, इससे तारे का आकार बहुत बढ़ जाता है, ये हो जाता है रेड जायंट या रक्त दानव स्टेज।
तो तारे की मृत्यु में सबसे पहली स्टेज आती है रेड जायंट या रक्तदान, ठीक है ना। यहां पर रक्तदानव जो धीरे धीरे है, अब होगा क्या भाई, रक्तदानव यहां पर आप देख रहे हैं तो धीरे धीरे ये जो है यहां पर कोई एनर्जी तो है नहीं, धीरे धीरे यहां पर हीलियम वगैरह भी आपका जो भी है वो भी ठंडा होके इसी सीरियल से कार्बन में, सिलिकन में, आयरन में बदलने लगता है। कुछ कार्बन में बदला हुआ रह जाएगा, कुछ सिलिकन में रह जाएगा, कुछ आयरन तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से इसमें अब पूरी तरह से जो एनर्जी जेनरेशन है वो केवल सेंटर में रह जाती है, यहां से ये बाहर निकलने लगता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो रक्त दानव है कार्बन लोहे में परिवर्तित हो जाता है, जिससे आपका यहां पर बाहर का मेटेरियल जो होता है वो बिखर जाता है, स्पेस में बिखर गया। जो बाहर अभी आप लाल लाल देख रहे थे वो बिखर गया, विस्फोट हो गया। इसे हम कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। रेड जायंट में लाल दानव बना, सेंट्रल का पार्ट तो इकट्ठा कर लिया, बाकी बाहर का पदार्थ जो था वो ब्लास्ट के साथ छितर गया। सुपरनोवा विस्फोट बहुत बड़ा विस्फोट होता है, ये आप समझिए सूरज की रोशनी की तुलना में हजारों गुना ज्यादा रोशनी निकलती है सुपरनोवा विस्फोट से, और इसका मटेरियल जो है जो भी बिखरा वो आकाश में, अंतरिक्ष में ऐसे ही बिखर जाता है। इसीलिए सुपरनोवा को कहते हैं ब्रह्मांड का अन्नदाता कहते हैं इसे, सुपरनोवा को। सुपरनोवा को ब्रह्मांड का अन्नदाता इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसका जो मटेरियल बिखरता है उसे दूसरे स्टार अपने में शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो बीच का पार्ट रह जाता है उसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना, श्वेत वामन। क्योंकि भाई किनारे का जो कम ऊर्जा वाला पदार्थ था लाल लाल वाला वो तो सब चला गया, लेकिन यहां पर अभी फ्यूजन तेजी से जारी है, जारी है तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए ये श्वेत दिखाई देता है। लेकिन इसका आकार अब बहुत घट चुका होता है, इसकी घूमने की गति बहुत तेज होती है, बहुत तेज गति होने के कारण इसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं वो इसे छोड़कर वापस चले जाते, बाहर निकल जाते। तो ये कंडीशन आपकी व्हाइट ड्वार्फ की आती है। जब इलेक्ट्रॉन वगैरह बाहर चले जाते हैं धीरे धीरे इसकी भी एनर्जी जो कार्बन वगैरह लोहे में बदलना था वो सब बदल जाता है, ये एनर्जी देना पूरी तरह से बंद कर देता है, और ऐसी कंडीशन में इसे कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ या काला वामन। इस प्रकार से ये ऊर्जाहीन होकर, कल्लू होकर आपका ब्रह्मांड में घूमता रहता है। इसका जो है गुरुत्व बल बहुत ज्यादा होता है, ग्रेविटेशन फोर्स इसका बहुत ज्यादा होता है, तो ये छोटे छोटे ड्वार्फ के फॉर्मेट में इधर उधर घूमते रहते हैं। यही आपके तारे की मृत्यु हो जाती है, रोशनी देना बंद, केवल काला हो गया है, रोशनी देगा नहीं, तो रोशनी नहीं देगा तो तारा कहां से होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन आपकी बनती है। यहां पर एक सुपरनोवा विस्फोट का चित्र आपको दिया गया है, इस तरीके से ये सुपरनोवा विस्फोट की इमेजिनेशन की जाती है। सुपरनोवा ब्रह्मांड का आपका अन्नदाता, ये सब। इसके बाद कंडीशन आती है ब्लैक होल की, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ब्लैक होल को समझिए भाई, एक सीमा है जिसे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसे माना गया है 1.4 ms, ठीक है ना, 1.4 ms। यहां ms का मतलब है मास ऑफ सन। दो कंडीशन होंगी, एक कंडीशन हमने देखी कि स्टार रेड जायंट बनता है, व्हाइट ड्वार्फ बनता है, उसके बाद ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होके घूमता रहता है। ये वो होते हैं छोटे तारे जिनकी वजन या आकार आपका 1.4 ms से कम होगा, यानी हमारे सूर्य की तुलना में 1.4, एक सूर्य प्लस 0.4 सूर्य, इतने वजन से जो ऊपर के तारे होंगे, जो आपकी ये चंद्रशेखर लिमिट है 1.4 ms है,
इससे नीचे के जो तारे होंगे, इससे कम द्रव्यमान के जो तारे होंगे वो बनेंगे आपके काला वामन, और इससे ऊपर के जो तारे होंगे वो आपके बनेंगे ब्लैक होल। ये रूल माना जाता है, ठीक है ना। ब्लैक होल क्या है आपका? ब्लैक होल एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक, जो आपका ब्लैक ड्वार्फ से काफी बड़ा होता है। ब्लैक होल का मतलब ये जब तारा सिकुड़ना शुरू होगा, रेड जाइंट बन गया भाई, या हिंदी में बता देते हैं आपको रक्त दानव बन गया, ठीक है ना। रक्त दानव के बाद श्वेत वामन हो गया, श्वेत वामन के बाद ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर तारा बड़ा है तो। कितना बड़ा? 1.4 ms से ऊपर का, ठीक है ना। तो ये आपका ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लैक होल ऐसे आपके ऑब्जेक्ट हैं जिनका गुरुत्व बल बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी इनसे बाहर नहीं जाता है। अगर एक ब्लैक होल पर खड़े होकर आप प्रकाश या टॉर्च ऐसे जलाएं तो वो भी मुड़कर इसमें घुस जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका ब्लैक होल होता है, ठीक। ब्लैक होल आपके बहुत ज्यादा आपके ब्रह्मांड में मिलते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं आजकल जो कंडीशन है, ठीक है ना। तो ब्लैक होल के बारे में आपने जाना, आज की जो कंडीशन है, आज आपके वर्म होल पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। आज मैं आपको वर्म होल क्लियर कर देता हूं। जैसे ये माना गया है कि भाई जिस तरीके से ब्लैक होल होता है दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें सब कुछ समाए जा रहा है, जो भी ब्लैक होल के आसपास जाएगा वो ब्लैक होल में समा जाएगा, चाहे वो रोशनी हो, कोई सितारा हो, कोई पिंड हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, वो ब्लैक होल में समा जाएगा। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि कहीं ना कहीं एक वाइट होल भी होना चाहिए। ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज्यादा है तो वाइट होल का घनत्व जीरो होना चाहिए, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे सब कुछ सिर्फ बाहर निकले, ऐसी इमेजिनरी कंडीशन। अभी तक व्हाइट होल देखा नहीं गया है, केवल ये एक काल्पनिक स्थिति है। और व्हाइट होल और ब्लैक होल को जोड़ने वाली ये डमरू टाइप का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इधर से सब कुछ समाए और इधर से सब कुछ वापस निकल जाए, इसी को कहा गया है ये वर्म होल। वर्म होल जिस पर आज के समय में हॉलीवुड में कई सारी मूवीज वगैरह भी बन चुकी हैं, ये सब अभी कल्पनाओं में है, अभी कहीं भी वैज्ञानिक तरीके से इसे देखा नहीं गया है। वर्महोल के थ्रू ही ये टाइम ट्रेवल वाली जो मूवी वगैरह बनती है वो वर्महोल के थ्रू ही बनती है, जहां टाइम को मोड़ा जाता है या टाइम को कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप बाद में कभी समझिएगा, अभी अपने सिलेबस में ये चीजें नहीं है, वर्महोल या टाइम ड्यूरेशन, टिल्टनेस ऑफ टाइम, ये सारी चीजें अभी कि स्पेस टाइम को रैप्ट कैसे करते हैं, ये सारी सिलेबस में नहीं है, तो अभी छोड़ दीजिए इसको। तो ये आपकी इमेजिनरी कंडीशन है व्हाइट होल, इसके बारे में आप इतना ही जान लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हैं लाइफ साइकिल, नॉर्मल तारा है अगर 1.4 ms से कम है। एक बार फिर क्लियर कर देता हूं, अगर 1.4 ms से कम है, ठीक है ना, तो एवरेज स्टार है, ये रेड जाइंट में बदलेगा, इसके बाद प्लेनेटरी नेबुला में, और व्हाइट ड्वार्फ, और व्हाइट ड्वार्फ के बाद ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होके घूमता रहेगा। अगर भारी स्टार है, मैसिव स्टार है, तो ये रेड सुपर जाइंट में बदलेगा, वही रेड जाइंट ही है, सुपर जाइंट बोल दिया गया है, सुपरनोवा ब्लास्ट होगा, बीच का पार्ट बचा रह जाएगा, वही बीच का बचा हुआ पार्ट आपका ब्लैक होल कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन आपकी बनती है, रेड जाइंट, व्हाइट जाइंट, ये सारे व्हाइट ड्वार्फ, ये सब में कॉमन होंगी। व्हाइट ड्वार्फ के बाद की स्थिति जो है आपकी बदल जाती है, तो ये आपकी ब्लैक होल की कंडीशन आपकी बनती है, ठीक है ना। तो ब्लैक होल से कुछ भी वापस नहीं जाता है, सब कुछ उसका, क्योंकि घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है ब्लैक होल का, आपका ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा होता है, यही करेक्टर है। आपसे जब पूछने को आएगा, अगर यहां से कभी लिखने को आएगा, तो आपको यही स्टेप वाइज लिख देना है, 1.4 ms चंद्रशेखर सीमा, उसके बाद आप रक्त दानव की बात करेंगे, रक्त दानव के बाद आप बात करेंगे सीधे सीधे आपके श्वेत वामन की, और श्वेत वामन के बाद काला वामन। अगर मैसिव स्टार है तो रक्त दानव, रक्त दानव के बाद आपका सुपरनोवा, ये आपका सुपरनोवा,
सुपरनोवा के बाद आपका श्वेत वामन, और श्वेत वामन और ज्यादा सिकुड़ के बन जाएगा ब्लैक होल। इतना खेल होता है ब्लैक होल का, आप समझ लीजिए कि वैज्ञानिकों का ये कैलकुलेशन है भाई कि हमारी पृथ्वी जितनी बड़ी है इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी को अगर किसी फ्रेम में फिट करके सिकोड़ दिया जाए और सिकोड़ कर एक टेनिस बॉल के बराबर का कर दिया जाए तो ये एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल की डेंसिटी या घनत्व तो कितना ज्यादा होता है। समूची पृथ्वी का मटेरियल एक टेनिस बॉल के बराबर के एरिया में समेट देना। ब्लैक होल इतना भारी होता है उसका मटेरियल कि अगर ब्लैक होल के मटेरियल को आप एक चाय की चम्मच में भरें तो उसका वजन लगभग जो है वो 13 टन निकलेगा। इतना मटेरियल ब्लैक होल का डेंस होता है और उसकी घनत्व जो होता है डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये ब्लैक होल को आप एक बार इमेजिन करके देख सकते हैं, इस तरीके से ये ब्लैक होल है। बहुत ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट हैं ये, तो दूर ही रहते हैं, दूर ही रहने तो ठीक है ना। तो ये आपके स्टार का लाइफ स्पैन बनता है। आज की बात यहीं तक रखेंगे, कल हम लोग अपना सोलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, विधिवत स्टडी स्टार्ट करेंगे कल से, आज तक की बात यहां तक। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो आज की बात यहीं तक, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर कमिंग, कल अपनी बात आगे बढ़ाएंगे।